बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेला डिजिटल बॉक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपके इकामा को अपडेट कराने की जो फीस है वो पे कर दी गई है या नहीं पे की गई, आपकी कंपनी ने या आपके कफील ने जवाजात को इकामा अपडेट के लिए फीस जमा करवा दी है या नहीं, किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और प्रैक्टिकल भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपके इकामा की फीस पे कर दी गई है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि सऊदी अरब में आप कफील को पैसे दे देते हैं लेकिन काफ़ी देर तक कफील जो है वो आपके इकामा को अपडेट नहीं करता, तो आप टेंशन में रहते हैं कि पता नहीं क्यों मेरे इकामे को अपडेट नहीं कर रहा। इसकी 100 वजूहात हो सकती है, या तो फिर कफील खुद लेट कर रहा है जानबूझकर, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस का मसला हो सकता है, या कोई भी जवाजात का इशू हो सकता है। लेकिन आपको तसल्ली हो जाती है कि आप अपने अफसर अकाउंट से जब चेक कर लेते हैं कि आपके कफील ने फीस जमा करवा दी है, तो इसके लिए आप अपने अफसर अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे, अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे। आप अपने अफसर अकाउंट में लॉगिन होने के बाद आप माई पासपोर्ट के ऑप्शन में जाएंगे। माई पासपोर्ट पे जाने के बाद आप ऊपर टॉप पे देखेंगे, आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, मैं आपको ये स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ। आपको टॉप पे नजर आएगा अमाउंट डिपॉजिट, अमाउंट डिपॉजिट में 650 रियाल आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि इकामा की जो फीस है वो इतनी ही है। जो इकामा के ज्यादा पैसे होते हैं वो मकतबे अमाल के होते हैं, लेकिन जो इकामा की फीस है वो इतनी ही होती है। तो आपको इस तरह पता चल जाएगा कि आपके जब अमाउंट डिपॉजिट में 650 रियाल ऊपर पासपोर्ट पे पासपोर्ट के ऑप्शन में शो हो रहे होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कफील ने आपके इकामा की फीस जमा करवा दी है, फीसें जमा हो चुकी हैं। अब किसी भी टाइम आपका इकामा अपडेट हो जाएगा। अभी मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकल चेक करके दिखाऊंगा कि मेरे इकामा की फीस कफील ने अपडेट कर दी है या नहीं अभी तक की। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने अफसर के अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। अभी मैं आपके सामने अपने अफसर के अकाउंट में लॉगिन हो गया हूँ। लॉगिन होने के बाद आप अपने नाम और तस्वीर पे जब ओके करेंगे तो आपको दूसरे नंबर पर ऑप्शन नजर आएगा माई पासपोर्ट का। माई पासपोर्ट पे ओके करें। माई पासपोर्ट पे ऊपर आपको टॉप पे नजर आ रहा है कि अमाउंट डिपॉजिट का, इसमें आप 650 रियाल देख रहे हैं। इसका मतलब है कि मेरे कफील ने मेरे इकामा को अपडेट करने के लिए जवाजात में फीस जमा करवा दी है। इस तरीके से आप, बहुत इजी है ये, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपके इकामा की फीस जमा करवा दी गई है या। उम्मीद करता हूँ आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों से भी वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।